जी, 100 दिन की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है, उस पर आप क्या टिप्पणी कर रहे हैं? 100 दिन में सरकार ने हर वर्ग के लोगों के सामने परेशानियां खड़ी करी। खट्टर साहब ने 100 दिन का जो अपना रिपोर्ट कार्ड दिया, उसमें कहीं कोई एक ऐसा काम उन्होंने लोगों के बीच में नहीं बताया जिससे आम आदमी चर्चा करे कि सरकार ने कोई एक अच्छा काम किया है। केवल 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड पे पुराने जो कोई छोटे मोटे काम शुरू हो रहे हैं उनको लेकर के चर्चा करी है। नया काम तो इसलिए नहीं हो सकता कि अब तक सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का तालमेल ही नहीं है। अब तक तो आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे में अपने आप को मजबूत साबित करने में लगे हुए हैं। अभी तो इनका गृह मंत्री से जो विवाद चल रहा है उसका भी समाधान नहीं हुआ, वो भी ठीक नहीं हुआ। तो रिपोर्ट कार्ड का एक है, 100 दिन के अंदर प्रदेश का युवा कैसे बर्बाद हो, इसके लिए नशे की ज़्यादा खेप आई। हरियाणा नंबर एक पे चला गया, पंजाब जो कभी एक नंबर पे था वो सातवें पायदान पे चला गया। इससे बड़ा काम और सरकार क्या करेगी कि हमारा युवा जो है, जिसको रोज़गार मिलना चाहिए, जिसको कोई काम मिलना चाहिए, आज उसको नशे पे लगा कर उसे बर्बाद करने में सरकार लगी हुई है। आम सभा का जब सेशन आएगा तब मैं सबूत के साथ इस नशे के इशू के ऊपर सदन में अपनी बात रखूँगा। आप TV खोल करके देखना कि कैसे सरकार में बैठे लोग, जो इस नशों के कारोबार में जुड़े हुए लोगों के पीठ के ऊपर हाथ रख करके और अपने साथ गाड़ियों में बैठा करके उनको संरक्षण देने का काम करता है। मैं धूड़ाराम इनकी अपनी पार्टी का है और उसने फतेहाबाद की गवर्नेंसेस की मीटिंग के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर करी कि आज हर डिपार्टमेंट के अंदर रिश्वतखोरी चल रही है, पैसे लिए जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। जो समर्थक है उसने तो कहे जांच करो इन लोगों की, उसने तो सबूत दिए। इनका खुद का विधायक भी कह रहा है, आज की जो मीटिंग रखी गई है ये पार्टी को संगठन करने के लिए समालखा सत्रीय मीटिंग हुई थी, जिसमें लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर जोश लिया। इसका हम यही प्रभाव जाएगा कि इनेलो मजबूत है और मजबूत रहेगी।